हेलो फ्रेंड्स, इस डिवाइन मेमोरी मिराकल्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे PQRST टेक्निक को। जी हाँ, PQRST टेक्निक। आज हम इस टेक्निक को अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। पी स्टैंड्स फॉर प्रीव्यू। प्रीव्यू मींस जब भी आप कोई नया चैप्टर करने लगे हैं, आपने उस चैप्टर को प्रीव्यू करना है। मींस कि जैसे दरवाजा खोल के हम अंदर झांक के देखते हैं, वही आपने इसमें भी करना है। यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ मेन हेडिंग्स जो होती हैं उस चैप्टर की, आपने सिर्फ और सिर्फ मेन हेडिंग्स पर ग्लांस करना है, सारी मेन हेडिंग्स को देखना है और लास्ट में हो सके तो आपने समरी को देखना है। दैट से वो आपने प्रीव्यू करना है पूरे चैप्टर को। देन उसके बाद क्यू क्वेश्चंस, यानी कि अब तक जो आपने प्रीव्यू किया है, जो जो भी आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को देखा है और उसके बाद जो आपने समरी देखी है, उसके बेसिस पर आपने क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना है। अपने खुद के माइंड में आपने क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना है और उनको जॉट डाउन करना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको किन किन सवालों का जवाब मिलेगा। तो दैट इज क्वेश्चन। देन उसके बाद रीड। आई मीन्स रीड। आपने नेक्स्ट स्टेप है कि आपने उस इंटायर चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और साथ ही साथ उसके नोट्स को बनाना है। उसके बाद एस मीन्स समराइज। फिर आप जब पूरे आपने नोट्स को बना लिया, आपने अच्छे से उस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, तो आपने क्या करना है, आपने उस पूरे चैप्टर को समराइज करना है, अपनी ही वर्डिंग्स में आपने उसको बताना है, खुद को बताना है। या आप मिरर के आगे सामने खड़े हो सकते हैं और सामने ऐसे एक्ट कर सकते हैं एज इफ यू आर अ टीचर और आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वहां पर आपने समराइज करना है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की, आप उसको कितने अच्छे से समझ पाए हो। देन टी टेस्ट। फिर आपने टेस्ट करना है, यानी कि आपने देखना है कि आप जो भी आपने उसके अंदर पढ़ा है वो अब आपको अच्छे से समझ में आता है या नहीं। यानी कि जो भी आपने क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करे हैं या बुक के पीछे के आप क्वेश्चंस है, क्या उन सभी सवालों के जवाब आप दे पा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर आप दे पा रहे हैं, इट मींस कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया है। और अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मिसिंग है, इट मींस कोई चीज है जो अभी रह गई है जिसपे आपको दोबारा से वर्कआउट करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आपने ये PQRST टेक्निक को अच्छे से करना है, आपने इसको समझ लिया, अब अच्छे से आप इसको इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें और अपनी मेमोरी को एनहांस करें।